अस्सलामु अलैकुम, आई एम बैक। एक वीर साडा जनाब खुदी दुध भी पई हुई है, लेकिन कणक पानी लाना हों पानी लाए हीटर ला गया पानी था ये भी स्यापा हों पानी क्यों ला गया बैठ ला गया जी। की हाल है? अल्लाह शुक्र। तू सुनाओ दुआवा करम मालक रहेवान। मैं अपने चैनल पर चाड़ी दी वीडियो से सत्ते खैर जनाब भाई साढ़े पानी लाए हुआ तो फिटर ला गया पानी तो उन्हें पानी चाहता है रौला है। असी घर दाने लैने होंगे ना जनाब, तो आटा जी अस रोटी खाने सरकार वो है, वो कणक है जिसे इतनी मेहनत की करता है किसान ना। वेखो है कितनी ठंड है, अभी सारे बिस्तर च बड़े हुए तो भाई साढ़ा रेस्टोरेंट के पानी लाई खड़ा है, ठीक है। इनू पानी पवाना है, इनू पचाना है, तो जाके जनाब कणक होनी है। धुंध की वजह तो बड़ा कम खराब हो गया। इस ठंड के सब तो पहले जो किसान है ना, किसान उस उठना होंगे जी सुबह सुबह फजर दिन का ना टाइम, जिन्हें डंगर रखे न फजर दिन का ना टाइम उठ के उस बेचारे का और कोई काम नहीं है। मा ना बच्चा राती रोवे तो बाला हो तो पेशाब कर छड़ दी, पैंपर करवाए होंगे बच्चा पेशाब कर देता जी, पैंपर हो जाता जी, चेंज हो जाता जी, बच्चा रोंदा दुध दे छड़ती है माँ उत्थी बिस्तरे च। लेकिन यह जी औलाद होंगी है ना डंगर वाली, तो यह जी जमीन और जिस तरह किसान मेहनत करता ये ना धुप वेखनी होंगी है, ना छां वेखनी होंगी है, ना बारिश वेखनी होंगी है। अगर इनू प्यास लगी है असी नू पानी लाजमी पवाना, क्योंकि इस टाइम जितना एक मतलब रोड़ा पै गया ही इस टाइम कणक पानी की लौड़ है, सारे किसान पानी लाने कणक, ठीक है जी। तो रही गल डंगर की, डंगर वाला बंदा जरा ना उसकी गमी खुशी को नहीं बेचारे की, जिस बंदे डंगर रखे ना पिंडा थावान च जे वीर भरा करते हैं उन्होंने को बेचारे को पुछ के वेखो ना एक मिसाल बनी है। फलाने डंगर डंगर हो गया वो मिसाल इंज ही बनी हुई है कि वह बेचारा जरा ना डंगर तो अलावा किसी आने का भी नहीं है, ना वो किसी शादी पर जा सकता, ना वो किसी मरने पर जा सकता, उसकी लाइफ सारी जी है ना वो जानवर ना ही निकल जाती है। फिर जैसा देश तो वैसा बेस, कई अप्रूवमेंट आ जाती है तो कई फिर जो ना बंदे नाल भी डंगर हिसाब कर देना। ये नैचुरली जिहड़ी चीज़ तुसी यूज़ करोगे या जिस चीज़ भी तुसी ज़्यादा रवोगे ये नैचुरली काम आते हैं, साड़ी फितरत बन जाती है, रूटीन बन जाती है। इस वजह तो डंगर वाले बंदे तो परेशान नहीं होना, क्योंकि उस बेचारे की रूटीन बन जाती है नैचुरली डंगर च रह रह के उन्होंने गाली कलों कट कट के, क्योंकि उन्हें अगो जवाब तो देना को नहीं होंगे, वह भी सुन लेंगे ना जवाब शाबो को नहीं देंगे, तो किया जाता उन्होंने हवान माल पंजाबी दे विच।